अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आर्ट एंड कैलीग्राफी और मैं हूं सलीम खान। आइए आज हम सेकेंड एपिसोड करते हैं इस पेंटिंग के ऊपर। ये पेंटिंग लास्ट वीक जब स्टार्ट की थी तो आरफा जी मेरे साथ थी, आज वो किसी मीटिंग में मसरूफ़ हैं और शायद ना पहुंच सकें टाइम पे, तो मैं उनके बगैर ही शुरू करता हूं। इसमें वो ख़ास तौर पे देखना चाहती थी कि हम ये एरिया जो है सर्कल में कैसे मैनेज करते हैं और कैसे उसमें लिखाई करते हैं, तो आज हम इसे भी करेंगे और बाकी फिलिंग और कलर्स वगैरह भी करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सर्कल कैसे बनाते हैं। हम इसमें पुरकार ही इस्तेमाल करते हैं, या अगर कोई बड़ी पेंटिंग हो तो उसमें हम पेंसिल से सर्कल लगा के और फिर ब्रश से उसके किनारे जो हैं कलर्स के साथ बना देते हैं। ये मार्कर है, इसमें पुरकार में मैंने एडजस्ट किया हुआ है, बांधा हुआ है, और इसका सेंटर लाइन जो है यहाँ पे एक ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि अगर लेटर्स को ही हमने ओवरलैप किए हुए हैं तो लाइन को उससे बचाना है कि वो उसके अंदर कट ना कर जाए। एक इसको बॉर्डर को हम ब्लैक ही कर देंगे फिलिंग करके, तो ये इसका आउटर बॉर्डर है। इसके बाद हम एक थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें ज़रा सा उससे बड़ा सर्कल लगाएंगे और फिर इसके बाद एक और थोड़ी सी स्पेसिंग देके उसमें बॉर्डर देते हैं वाइट। इसके बाद हम लिखाई के लिए एरिया मुतय्यन करते हैं कि कितने हिस्से में हम लिखाई करेंगे। मैं समझता हूँ इतना बड़ा काफ़ी है। ये लिखाई की जगह है और फिर इसको हम थोड़ा सा बॉर्डर दे के लिखाई का एरिया जो है उसको काट देंगे। अगर कलर थोड़ा सा और देना है तो इसको और भी हम सर्कल को छोटा कर सकते हैं। तो ये हमारा कुल एरिया है जिसके अंदर हमने लिखाई भी करनी है और कलर स्कीम भी भरनी है। ये जो बाहर वाइट एरिया रह गया है इसको हम ये रेड के साथ ब्लैक मिक्स करके तो इसमें शेडिंग कर देंगे ताकि ये ज़्यादा उभर आए इसमें से। यहाँ हमने अलिफ लाम मीम लिखा था जिसकी आज हम आउटलाइन लगाते हैं ताकि ये है अलिफ ये अलिफ का हिस्सा है, उसमें हम ये क्योंकि बाद में लिखाई की है तो ये उसके ऊपर आ जाएगा। ये लाम और मीम का हिस्सा जो है वो हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये लास्ट में हमने इसकी लिखाई की है तो इसको हमने छोड़ा हुआ है। ये सबसे ऊपर मीम आ जाएगा,
तो ये अलिफ लाम मीम जो है उसके ऊपर आ जाएगा। ये हम प्रॉबली वाइट में ही रहने दें और इनमें हम थोड़ी सी कलर स्कीम करते हैं। मार्कर की बजाय आज कलर को इसमें इस्तेमाल करते हैं। मार्कर से ज़रा ज़्यादा आसानी के साथ लग जाता है, लेकिन ये कैनवस ज़रा कोर्स है तो उस पर मार्कर जो है वो चल नहीं रहा प्रॉपरली। तो हम तो ये रेड बॉर्डर इसका हो गया। हम इसमें सर्कल के अंदर अब लिखाई करते हैं, तो अलिफ लाम मीम यहीं से शुरू कर देते हैं। अब ये ज़ालिकल किताब है, ये हिस्सा जो है इसके नीचे आ गया है, तो आप खुद ही पेंसिल के साथ आप हल्का सा लिख लें कि कितना हिस्सा इसके नीचे दब गया है। तो फिर किताब यहाँ तक मसी है। ला का ये हिस्सा यहाँ शोर है और फे का
للمتقين अब लेटर जो है दूसरी लिखाई हम आगे ले जाएंगे। यकीम अनस्सलात
ये इसकी लिखाई पूरी हो गई। हम अब ये एरिया सूख गया हुआ है तो इसमें थोड़ी सी शेडिंग करते हैं। ज़रा सा डार्क कलर का शेड आउटसाइड पे देने से पूरा जो सर्कल है वो उभर आएगा और वो थोड़ा सा उसको नमाया कर देगा। और जैसे हमने पहली पेंटिंग्स में इसको थोड़ा सा बॉर्डर दिया था ब्लैक में ताकि वाइट बॉर्डर बन के तो वो लेटर्स को ज़्यादा उभार दे, तो उसी तरह से इसको हम ब्लैक शेडिंग कर देंगे।
इसी तरह से इनसाइड भी हम बॉर्डर लगाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इतना सा काम हम आरफा जी के लिए रख लेते हैं ताकि वो भी देख सकें, और वो जब क्वेश्चन आंसर करती हैं तो उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाता है। तो हम एक वीक के लिए और वेट करेंगे, इंशाल्लाह हम दोबारा आपको नेक्स्ट वीक हाजिर होंगे। और मुझे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे मेरे फ़ोन नंबर पे, तो मेरा फ़ोन नंबर है 416-995-5431। थैंक यू, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, 416-995-5431। थैंक यू, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे।